जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकियों ने अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड फेंककर हमला किया है। ग्रेनेड हमले में 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने सीआरपीएफ की अनंतनाग के शेर बाग इलाके में 40वीं वाहिनी के शिविर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला ग्रिया ग्रेनेड शिविर के बाहरी हिस्से में स्थित बंकर के पास गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ली है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान जगह जगह नाकेबंदी कर तलाशी कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले पुलवामा जिले में शनिवार को आतंकियों ने एक ग्रेनेड हमला किया था जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान घायल हो गए थे। आतंकी घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से परेशान हैं और बौखलाहट में सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच त्राल के सीर इलाके में सेना के 42 आरआर के जवानों ने सीआरपीएफ और राज्य पुलिस विशेष अभियान दल के जवानों के साथ आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान कासो चलाया। आतंकियों की बौखलाहट इसी वजह से और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।